कुछ लोगों को खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही शौच के लिए जाना पड़ता है, ऐसा जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। तो क्या ये नॉर्मल है या किसी बीमारी को इंडिकेट कर रहा है जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है? तो आज इस वीडियो में हम इसको डिटेल में जानेंगे कि ऐसा क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, और क्या हम मेजर्स कर सकते हैं कि अगर हमें कंडीशंस देखने को मिल रही हैं तो हम क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं, तो उसमें भी हम ध्यान देंगे। तो ये सब जानकारी देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। अक्सर देखा जाता है कि खाना खाने के बाद कुछ लोगों को शौच के लिए जाना पड़ता है, तो लोगों का ये मिथ होता है कि शायद ये इसलिए हो रहा है कि हमारा खाना बिना पचे ही बाहर निकल रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी को दिखाता है या फिर कोई इन्फेक्शन बताता है। मेडिकल टर्म में इसको गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स वैसे देखा जाए तो एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स कोई बीमारी नहीं है। अगर हम इसको देखें, डीपली देखें, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, या फिर हम इसको कहें कि फिजियोलॉजिक रिफ्लेक्स है, जिसमें होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो जब खाना हमारे स्टमक में जाता है तो कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारी आंतें हैं उनमें संकुचन पैदा करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो क्या होता है, वहाँ पर जो खाना होता है उसको ये होता है कि वो बाहर निकले, तो इसलिए उस समय शौच जाने की हमें फीलिंग होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका पेट भरा होता है या फिर आप ऊपर से कुछ और एडिशनल खाना खा लेते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है कि जो खाना है, जो पेट में जो खाना है, वो बाहर निकले और नया फूड आए। तो ये इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स, ये एक तरह का नेचुरल रिफ्लेक्स है। आमतौर पर देखा जाता है कि ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है, हम इसको कोई सीरियस बीमारी में नहीं लेते हैं, लेकिन अगर इस रिफ्लेक्स के साथ साथ आपका वेट घट रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रही है या फिर गैस बन रही है, तो आपको अपने जो नियर बाय डॉक्टर्स हैं उनके पास जाके एक बार चेकअप कराना जरूरी हो जाता है कि साथ साथ अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है। जैसा कि अभी बताया कि एक तरह का नेचुरल रिफ्लेक्स है, बट ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनको IBS की दिक्कत होती है। IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगी उसमें इसका फुल डिस्क्रिप्शन करूंगी कि IBS क्या होता है। तो जो IBS की कंडीशन है उसमें गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स ज़्यादा देखने को मिलता है। रिसर्च भी ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों को IBS की दिक्कत होती है, वो अगर कुछ सिग्निफिकेंट मील का, मतलब कुछ जैसे वीट का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, हरे पत्तेदार सब्जियों का, या फिर जो हाई फाइबर फूड्स होते हैं जैसे कि बीन्स हो गई, पत्ता गोभी हो गया या फूल गोभी हो गया, अगर वो जो IBS के पेशेंट होते हैं अगर वो इन चीज़ों का सेवन करें, तो उनका जो रिफ्लेक्स है, ये जो बार बार शौच जाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल या मोटिलिन, तो वो क्या करते हैं कि उनका जो है एबनॉर्मल लेवल हो जाता है, एबनॉर्मल तरह से फंक्शन करते हैं। इनका काम होता है कि जो हमारी जो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करना, बट अगर ये एबनॉर्मल लेवल में वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो IBS के पेशेंट में तो ये ऐसी कंडीशन उनमें देखी जाती है। उसी तरह होता है उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनको IBD की दिक्कत होती है, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें आते हैं क्रॉन्स डिजीज़ या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन्स डिजीज़ हमारी जो GIT होता है, जो हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसमें कहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसी तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है जो हमारे जो कोलोन होता है, जो आंत है, उसमें उसको इन्वॉल्व करता है। तो अगर IBD की भी कंडीशन है उसमें भी ये जो गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स है ये ज़्यादा देखने को मिलती है। उसी तरह से एक तीसरी कंडीशन होती है फूड इनटॉलरेंस। फूड इनटॉलरेंस मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर फूड के लिए ही वो जो है सेंसिटिव हो जाते हैं, अगर वो उस चीज़ को खाते हैं तो उनको बार बार शौच जाने की प्रवृत्ति होती है, तो इन केसेस में वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है।
गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स जैसे कि बताया कि एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो हमारे खान पान की वजह से बढ़ जाता है, जो देखने को मिलता है। बट कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स भी होते हैं कि जिनकी वजह से इनका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, जो नॉर्मल होते हैं, जो हम नॉर्मली हम करते हैं उसकी वजह से बढ़ जाता है। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि अगर हम लार्ज मील ले लें, कुछ ज़्यादा ही खाना खा लें, तो उसके बाद भी हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है कि हमें बार बार शौच जाना पड़ रहा है। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है, हम फ्राइड फूड खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी फैट ले रहे हैं, उसकी वजह से अगर हम उसका सेवन करते हैं तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही हमें बाहर जाने का लगता है कि हम शौच के लिए जाएं। उसी तरह से अगर हम कोल्ड लिक्विड जो है कुछ भी इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक की फॉर्म में ले लें, अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लें, तब भी उस समय ऐसा होता है कि हमें शौच के लिए जाना पड़ता है। अब हम ये जानेंगे कि अगर हमारे शरीर में ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो हम क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं, क्या क्या टिप्स हैं वो। तो सबसे पहला है कि जो खाना है वो धीरे धीरे चबाकर खाएं। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी बिजी हो गई है तो उसकी वजह से हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, बट हमें ये पता नहीं रहता है कि जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में हम साथ साथ हवा भी यूज़ कर रहे हैं। हम उससे क्या होता है कि मतलब एयर का भी हम सेवन कर रहे हैं एक्सेस अमाउंट में, तो उससे क्या होता है कि गैस बन जाती है, और ज़्यादा हमारे पेट में गैस बनेगी तो वो प्रेशर क्रिएट करेगी और हमें खाना खाने के तुरंत बाद ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है कि शौच के लिए जाना पड़े। दूसरा है कि जो आप खाना लें वो ज़्यादा अमाउंट में ना लें, एक बार में आप थोड़ा थोड़ा करके भोजन लें, जो बिग मील है वो ना लें। उससे क्या हो रहा है होगा कि हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ठीक रहेगी और हमारा जो खाना है वो ठीक से पचेगा और हमें जो शौच की प्रवृत्ति, जो खाना खाते ही जो शौच की प्रवृत्ति है वो भी ठीक होगी। तीसरा है कि हाँ आप अपना जो खान पान है वो सही करें, ऐसा कुछ भी खाना ना लें जो आपको जो है खाना खाने के एकदम बाद शौच के लिए जाना पड़े, जो गैस क्रिएट करे, जो हैवी टू डाइजेस्ट हो, फैटी हो, फ्राइड हो, जो गैस हाई फाइबर, अगर आपको हाई फाइबर से दिक्कत है तो आप उसको थोड़ा सा देखिए, आप ये देखिए कि आपको किस फूड से इंटॉलरेंस होती है तो आप उसको अवॉइड करिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कुछ बच्चों में, मोस्टली बच्चों में देखा जाता है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, कि जैसे ही वो कुछ लेते हैं, माँ का दूध पीते हैं या फिर कोई भी मिल्क लेते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं क्योंकि वो तो मिल्क ही लेंगे तो माँ का लेते हैं या बाहर से भी लेते हैं, तो उनका जो है मल प्रवृत्ति उनकी बढ़ी हुई रहती है। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स ही होता है जो समय के साथ साथ जैसे जैसे थोड़े महीने बढ़ते जाएंगे तो जो खाना खाने की और जो मल त्याग करने की जो इंटरवल है, मतलब जो दूध पीते ही जो मल त्याग करने का जो इंटरवल है वो धीरे धीरे ठीक होगा और बच्चा अपने जो नॉर्मल रूटीन है उसमें आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हमें ये बार बार जो मल त्याग करने की प्रवृत्ति है खाना खाते ही वो डेवलप हो जाती है, ये कंडीशन नॉर्मल है या कब आपको इसको ध्यान देने की ज़रूरत है और किस किस में ये होता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अगर आपकी क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।